तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका अपना दोस्त केडी ऑडियो की तरफ से। तो दोस्तों, आप सभी को जैसे कि पता है कि अभी जो हमने स्पीकर्स रेडी करे थे और जो एम्पलीफायर रेडी करे थे, तो उनके साथ साथ जो कस्टमर थे उनका कहना ये था कि हम जो HF यूज़ करें भाई, उसमें ना मतलब एक तो ख़राबी नहीं आनी चाहिए और दूसरी क्वालिटी अच्छी मिलनी चाहिए। मतलब कि बेसिकली खेल अगर आप पैसा दे रहे हो तो क्वालिटी का ही होना चाहिए, तो क्वालिटी ही मिलनी चाहिए। तो हमने उनको देखो, पहले तो इंडियन नेटवर्क थे वो बेसिकली हमने बनवाए थे, तो वो बनवाया था नेटवर्क उन्हीं के लिए। बट मुझे भी एक तरफ लगा कि कहीं ना कहीं यार इंडिया हम नेटवर्क देते हैं तो उसमें ना कोई गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं होती उनके चलने फिरने की, गारंटी वगैरह तो इनकी भी नहीं होती। बट हम पर्सनली उनको दे रहे हैं, अपनी तरफ से दे रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअली थोड़ा ऐसा है कि कनेक्शन थोड़ा है उनके साथ रिले एक तरह से कस्टमर के, तो इस वजह से हम उनको अपना गारंटी वगैरह दे रहे हैं इन नेटवर्क्स का। तो ये किसी और के लिए नहीं है नेटवर्क्स, तो बेसिकली अगर आप मंगाना चाहते हो तो ये आपको मिल भी जाएंगे। बट उसमें हम आपको कंडीशन बता देंगे कि क्या इनकी अगर वारंटी रहने वाली है, क्या गारंटी रहने वाली है, वो कंडीशन हम आपको बता के जब ही इनको देंगे। तो बेसिकली ये ATI प्रो की तरफ से आता है, इंजीनियर्ड इन इटली, मतलब कि ये इंडियन प्रोडक्ट नहीं है। ये जो प्रोडक्ट है वो मेड इन इटली का प्रोडक्ट है, ठीक है दोस्तों। और इस पर जो HF चलने वाला है वो है 450 का HF, इस पर टन होगा, ठीक है। ये दो कॉलम उनके बनने हैं, तो दो कॉलम के हिसाब से ये HF हम का यूज़ कर रहे हैं। और स्पीकर जो भी है वो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाई दिया था जैसे भी है। तो इसको ओपन करते हैं, पहले तो इसका बॉक्स वगैरह आप देख लो। पहले इनका बॉक्स में मतलब गत्ते का बॉक्स होता था, उसमें पैकिंग आती थी, बट अब इन्होंने अपनी पैकिंग बहुत ही अच्छी और शानदार कर दी है। तो इस वजह से अब इनकी पैकिंग अपनी जो प्लास्टिक का बॉक्स होता है उसमें आती है। तो मैं जैसे HF कहाँ से निकालता हूँ, तो HF को पन्नी से भी मैंने, मेरा बेसिकली पर्सनल ओपिनियन भी यही रहता है कि मैं खुद भी जो है मैंने अपना इटली मतलब यही प्रोडक्ट यूज़ करा है, और मेरे जो अपने पर्सनल 10 इंची के जो मॉनिटर्स हैं उनमें भी मैंने अपना यही नेटवर्क लगा रखा है। तो बहुत ही शानदार क्वालिटी है, मतलब नेटवर्क की बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। तो ये बिल्कुल देख सकते हैं, इस बार बिल्कुल कुछ न्यू लुक आई है। मतलब जो ये PCB है ना, इसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार निकाली है इन्होंने, देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी लग रही है। और बहुत हैवी है, कम से कम भी ना तो दोस्तों आधे किलो के समथिंग कि ये जो नेटवर्क है वो है, इतना तो मेरा अंदाज़ा है, आधे किलो के आसपास, मतलब 500 ग्राम का तो इसका वेट है नेटवर्क का। सारे रेजिस्टेंस पे ATI प्रो की ब्रांडिंग है, और 20 ओम 25 वाट, मतलब ज़्यादातर जो रेजिस्टेंस है वो सारी 25 वाट्स की रेजिस्टेंस है। ये आपकी ज़ोबल नेटवर्क की कॉइल हो जाती हैं, ठीक है। ये आपके नॉन पोलर कैपेसिटर्स हो जाते हैं, जो कि बेसिकली जो आपकी बेस को आपके ट्विटर की जो साउंड होती है उसको इन्हेंस करने में हेल्प करते हैं, जिससे ट्विटर की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। पीछे से आप देख सकते हैं बहुत ही हैवी ट्रैक बनाए गए हैं ATI प्रो ने, मतलब बहुत ही शानदार वर्क करा है। कोई मतलब थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है कि अगर हम इसकी बुराई करें, क्योंकि दोस्तों ये है कि ये कोई हमारे घर की अपनी पर्सनल कंपनी नहीं है। ये ATI प्रो आप सभी को पता है, ये ATI प्रो मेड इन इटली के ही प्रोडक्ट होते हैं, मेड इन इटली से ये प्रोडक्ट बनते हैं, और रजिस्टर्ड कंपनी है, कोई लोकल कंपनी नहीं है, ठीक है। सारे कनेक्शन यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी स्पीकर एम्पलीफायर से इन दे सकते हो और स्पीकर की लगा सकते हो, मतलब कि स्पीकर डायरेक्ट होते हैं और आपके HF इनके थ्रू रेक्टिफाई होके यहाँ से निकलती है। तो ये कॉमन हो जाता है, ये HF के लिए हो जाता है रेड वाला, ये कॉमन हो जाता है, ये आपका इनपुट हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों मेरे हिसाब से देखो और कुछ कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्वालिटी एक नंबर है और बहुत ही शानदार है। जो भी भाई मंगाना चाहता है वो देखो कॉल कर सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है, क्योंकि दोस्तों शायद 10 या 15 पीस ही हमारे पास अवेलेबल होंगे इसके, क्योंकि जिनमें से दो तो अब ये जा रहे हैं और कुछ ही मतलब 10-12 पीस के आसपास ये अवेलेबल होंगे, तो उनमें से आपको मिल जाएगा अगर आप। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप इसको 450 HF पे ही चला सकते हो, आपको मैं बता देता हूँ। जैसे अगर आपके पास 60 वाट का है, 50 वाट का, 40 वाट का कोई भी ट्विटर है जो आपका, आप जिससे आप परेशान हो एम्पलीफायर में लगा के वो फूक जाता है, तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मतलब बेसिकली ये नॉर्मल 60 वाट तक के लिए ही है बेसिकली, उससे ऊपर आप इसमें 750 HF नहीं लगा सकते, या 518 HF नहीं लगा सकते, 518 आता है HF वो नहीं लगा सकते। ये नॉर्मली D450 तक ही 60 वाट तक ही चल जाता है आराम से, उससे ऊपर आप इस पर नहीं लगा सकते, क्योंकि उससे ऊपर दोस्तों क्वालिटी के लिए थोड़ा और भी इन्हेंस मतलब वर्क इन्हेंस करना पड़ता है। तो ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और जो भी भाई प्रोडक्ट मंगाना चाहता है वो मेरे डिस्क्रिप्शन से नंबर उठा के मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, वहाँ पर इसकी आपको डिटेल वगैरह मैं आपको बता दूंगा क्या कुछ है नहीं है, और आपको इमेज शेयर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों आज की वीडियो में बने रहने के लिए। KDOD चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।